Hello friends, welcome back on my channel WriteInfo. Before starting this video, guys, please subscribe my channel and press bell icon for latest notification. Friends, आप लोगों का support बहुत ही ज़्यादा important है मेरे लिए, guys, please subscribe my channel. और guys, bell icon को भी जरूर press कर देना, जिससे कि सारी notification जो है आपको मिल जाए instantly जब भी कोई video upload की जाए. So friend, आज की video मैंने जो है इसलिए बनाई है guys, इसमें जो आपका एक क्वेश्चन है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, हर जगह सब पूछ रहे हैं. और जो क्वेश्चन है वो सुपर कॉइन से रिलेटेड है कि कब क्रेडिट होंगे. गाइस अभी क्या है कि सबके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे सुपर कॉइन्स क्रेडिट क्यों नहीं हो रहे. मैं डेली प्ले कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, बट मेरे सुपर कॉइन्स क्रेडिट नहीं हो रहे हैं, मेरे वाउचर्स क्रेडिट नहीं हो रहे, कब होंगे क्रेडिट. तो गाइज इन सब क्वेश्चंस का जवाब हम देखेंगे गाइज इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो गाइज. सो गाइज पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग को चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेना, 1% भी टेंशन नहीं लेना, आपके सुपर कॉइंस क्रेडिट हो जाएंगे. ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ले रहा है बट हो जाएंगे. सो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको मे बी ना पता हो, कुछ महीने पहले जो था फ्लिपकार्ट में जो सुपर कॉइंस है वो 10-15 डेज में क्रेडिट होते थे. मतलब पहले ये पॉलिसी थी जो भी इनका था, मतलब पहले ऐसा था, उसमें क्या होता था कि कुछ टाइम बाद आता था. बट अब जो इन्होंने चेंजेस कर दिए बीच में, ये हो गया था कि जो कॉइंस है वो इंस्टेंटली क्रेडिट होने लगे अकाउंट में. सुपर कॉइंस जैसे आप इन करते थे वो इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाते थे, वाउचर्स भी इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाते थे अब तक. बट अब इन्होंने क्या है, 31st से इन्होंने चेंजेस कर दिया है कि जो आपके सुपर कॉइंस हैं वो अब जो है 30 डेज का पीरियड कर दिया इन्होंने, और वाउचर्स में इन लोगों ने जो टाइम है वो 60 डेज कर दिया है. जो कि पहले गाइस था सुपर कॉइंस का 15 डेज था मैक्स और वाउचर्स का 30 डेज था मैक्स, बट अब इन्होंने ये चेंजेस कर दिए. तो बट इसके वजह से आपको गाइस चिंता नहीं करना है, ऑब्वियसली वो क्रेडिट हो जाएगा. अभी जो है गाइज मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे को भी गाइज आप ये जो है मेरे सुपर कॉइंस और वाउचर्स क्रेडिट नहीं हुए हैं 31st से. अब आप ये देख सकते हैं गाइज ये मेरी कॉइन एक्टिविटी है, इसमें आप चेक कीजिए. तो गाइज ये देखिए दाम सही है जो इसका मेरा 30th को हुआ था, बट उसके बाद 31st से जो एपिसोड्स हैं उनके मेरे क्रेडिट नहीं हुए. सेम फेक और नोट में भी यही है गाइज, 30 दिसंबर जो है उस तक लास्ट मेरा क्रेडिट है, उसके बाद नहीं हुआ. और गाइज क्या बोलती पब्लिक के एक दो एपिसोड के हो गए थे रैंडमली, बट उसके अलावा नहीं हुए. और ऐसी प्राइस वाली पाठशाला या जो दूसरे गाइज उनके भी क्रेडिट नहीं हुए. तो आपको चिंता नहीं करना, ये सभी के साथ है, सुपर कॉइन सभी के क्रेडिट नहीं हो रहे, वो क्रेडिट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा बट क्रेडिट हो जाएगा. हाँ गाइज जो जेम्स को आप रिडीम कराते हैं वो इंस्टेंटली क्रेडिट हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है. या जो आपको गेम स्ट्रिक जो है गेम जोन में उसको करने से जो सुपर कॉइंस मिलते हैं वो भी क्रेडिट हो जाएंगे इंस्टेंटली. बट बाकी जो क्विज या शो में जो आप सुपर कॉइंस अर्न कर रहे हैं उसमें जो है अब लगेगा थोड़ा सा टाइम. तो मैं आपको गाइज दिखा देता हूँ कि जो टाइम है वो मतलब ये शो कर रहा है हर जगह, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आप माई रिवॉर्ड्स में जैसे जाते होंगे और आप अपना कोई भी रिवॉर्ड जब कलेक्ट करते होंगे तो आप उसमें गाइज देखते होंगे आपको ऑलरेडी अब जो है मेंशन कर दिया है 30 डेज सुपर कॉइंस विल बी क्रेडिटेड विद इन 30 डेज टू योर फ्लिपकार्ट अकाउंट. मीन मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 डेज है, उससे पहले भी हो सकता है बट 30 डेज आप मान के चलिए तो आपको टेंशन नहीं होगा. और गाइज ये पहले 15 डेज हुआ करता था बट अब 30 डेज कर दिया है, जो मतलब 31st से और ये जो भी मतलब एक तरह से न्यू ईयर जो स्टार्ट हुआ उसमें जो फ्लिपकार्ट ने इसको 30 डेज कर दिया है. इसके अलावा गाइज अब हम वाउचर्स की भी बात कर लेते हैं. जो वाउचर्स हमें मिलते हैं उसका भी आप देख सकते हैं गाइज कि उसके भी अब जो टर्म कंडीशन है, जो उसका ड्यूरेशन है क्रेडिट होने का, वो अब जो है फ्लिपकार्ट ने 60 डेज कर दिया है. ये देखिए गाइस विल बी क्रेडिटेड विद इन 60 डेज टू योर फ्लिपकार्ट अकाउंट एंड विल बी यूजेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट. और गाइस पहले ये 30 डेज होता था
जैसे गाइस सुपर क्वाइंस का 15 डेज होता था, ये होता था 30 डेज, और 30 डेज होता था और ये अराउंड 20 डेज 15 टू 20 डेज में मैक्स वो क्रेडिट हो जाता था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अब जब इन्होंने 60 डेज बोल दिया है तो ये भी 30 डेज में चांसेस हैं कि ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, और अगर 30 डेज में नहीं हुआ तो मैक्स ये जो है गाइस ये आपका 60 डेज में ये हो जाएगा। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है और ये कंफर्म आपका 60 डेज के अंदर ये क्रेडिट हो जाएगा। सो फ्रेंड, अब मैं आपको चैट दिखा देता हूँ जो मैंने कस्टमर केयर जो है फ्लिपकार्ट की उससे बात की थी। मैंने उनसे ये जो क्वेरी थी की थी कि कब हमारा सुपर कॉइंस या वाउचर जो है वो कब क्रेडिट होगा। सो फ्रेंड, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे गाइस, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था सुपर कॉइंस जो हम अर्न कर रहे हैं गाइस फेक और नोट प्राइस वाली पार्ट्स वाला दाम सही कौन बिग बस वो क्रेडिट नहीं हो रहा है हमारा 31 दिसंबर से। मैंने क्वेश्चन उनसे पूछा था तो जो फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर सपोर्ट है उसने सिंपल यही बोला था कि गाइस कि जो है जब क्रेडिट मतलब 30 डेज है उसमें क्रेडिट हो जाएगा, जब हम रिवॉर्ड को विन किया हमने जिस दिन उससे 30 डेज में हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस कस्टमर केयर भी सेम चीज़ बता रही है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने उनसे पूछा कि कोई पॉलिसी चेंज है तो गाइस उन्होंने बोला कि पॉलिसी चेंज नहीं है, बट टर्म कंडीशन आप देख सकते हैं चेंज किए गए हैं। पहले 15 डेज था सुपर कॉइंस के लिए, उसको 30 डेज किया गया है गाइस, 15 डेज से 30 डेज कर दिया गया है सुपर कॉइंस के लिए, और वाउचर्स के लिए गाइस 30 डेज से 60 डेज कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस के गाइस रीजन बहुत सारे हैं। एक तो रीज़न गाइज ये है कि जो लोग हैं सुपर कॉइंस कलेक्ट करके वो सबसे जो मेन मोटिव है उनका वो है 2500 सुपर कॉइंस वाला जो वाउचर है उसको रिडीम कराना। तो क्या हो गया गाइज कि पहले इतने सारे व्यूवर्स नहीं थे जो मतलब गेम और ये क्यू शो जो है उसको प्ले करते थे, अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अब क्या है गाइज, तो इसमें क्या होता है वो जो वाउचर है 2500 सुपर कॉइंस वाला उसमें क्या होता है फ्लिपकार्ट को गाइस 2500 रुपीज जो है अब आपके वॉलेट में डायरेक्ट क्रेडिट करने पड़ते हैं, और जो नॉर्मल वाउचर है आप उसको परचेज करिए कोई इशू नहीं है, बट उसमें उनको डायरेक्ट वॉलेट में डालने पड़ते हैं। तो उनको ये सब चीज़ों में थोड़ा स्लोनेस लानी है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन्होंने जो सुपर कॉइंस और वाउचर्स क्रेडिट करने की जो ड्यूरेशन है उसको इन्होंने इंक्रीज कर दी, 30 डेज कर दी सुपर कॉइंस के लिए और 60 डेज कर दी वाउचर्स के लिए। और दूसरा गाइज आपको मे भी पता हो कि पहले जो सबसे पहला जो कि शोज में है वो है क्या बोलते पब्लिक, तो पहले वही सब वही होता था गिनती का शो। अब क्या है गाइज इतने सारे शोज हैं डेली 4-5 शोज चलते हैं, तो उसमें क्या है कि इनको ज़्यादा सुपर कॉइंस जो है वो देने पड़ते हैं, मिनिमम 5 भी देंगे तो भी इन लोगों को अगर 4 शो चल रहे तो 20 सुपर कॉइंस मिनिमम देने देने, और पहले ऐसा नहीं था। तो गाइज अब उन पे जो है फ्लिपकार्ट पे लोड ज़्यादा हो गया, तो और जब ज़्यादा कस्टमर्स ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं वो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको फिर क्या है उस चीज़ को भी कम करना है कि जो लोग हैं वो जो है मतलब इतनी जल्दी जल्दी वाउचर जो है वो 2500 सुपर कॉइंस वाला उसको रिडीम मतलब ना करें, इसलिए आप देख सकते हैं कि वो स्टॉक आउट भी ज़्यादा रहने लगा है। तो उसके लिए इन लोगों ने उस चीज़ को करने के लिए हैंडल करने के लिए इन लोगों ने जो ड्यूरेशन है क्रेडिट की उसको ही इंक्रीज कर दी, जो कि पहले जो जल्दी होता था उसको अब थोड़ा टाइम लगेगा क्रेडिट होने में, तो जो कस्टमर्स हैं वो उसको रिडीम जो है वो जल्दी नहीं करा पाएंगे, थोड़ा उसमें उनको लगेगा टाइम। तो ये सब गाइस जो है इसके रीज़न हैं जिसकी वजह से जो ये सब जो चेंजेस हुए हैं चेंजेस किए हैं फ्लिपकार्ट ने। तो आप लोग को गाइस सिंपल सी बात है, चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, सुपर कॉइंस आपके आएंगे 30 डेज मैक्सिमम टाइम है उसमें आएंगे, और वाउचर्स भी आपके आएंगे मैक्सिमम 60 डेज है,
तो उसमें वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मेरे भी गाइज मैंने कैलकुलेट किया था तो अराउंड 535 सुपर कॉइंस मेरे पेंडिंग हैं जो क्रेडिट होने हैं आज की डेट में। तो जब तक जैन एंड होगा तब तक वो और ज़्यादा ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे और आप लोग के भी अच्छे खासे पेंडिंग होंगे, तो कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आप बस प्ले करते रहिए और अर्न करते रहिए, सुपर कॉइंस आएंगे और उसके बाद फिर जो है आप अपना वाउचर जो है 2500 सुपर कॉइंस वाला उसको आप रिडीम कराइए। क्योंकि मेरा मेन जो है मतलब सुपर कॉइंस क्रैक करने का वो यही है, ये वाउचर जो है इसको रिडीम कराने का। मैं ऑलरेडी गाइस पहले 2500 सुपर कॉइंस वाला जब 5000 मिलते थे वो उसको भी मैंने रिडीम कराया है। फिर अगेन मैंने 2500 सुपर कॉइंस के मैं जो 2500 रुपीज़ मिलते थे उसको भी करा लिया और अब ये अगेन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। और कॉइन आपने देख लिया मेरे कितने हो चुके हैं, 1517 और 535 पेंडिंग है, तो अराउंड 2000 प्लस मेरे हो जाएंगे अगर आज की डेट में देखें। सो फ्रेंड आपको भी बिना टेंशन के, बिना डीले हुए, मतलब बिना स्किप किए सारे क्विज और गेम्स को टाइमली जल्द से जल्द जो है खेलिए और अर्न कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कॉइंस और वाउचर्स और मज़े कीजिए गाइज। सो गाइज वीडियो एंड करने से पहले जो दो तीन पॉइंट है वो देख लेते हैं। सो गाइज फर्स्ट पॉइंट है कि सुपर कॉइन जो है हमारे वो हमारे 30 डेज का जो मैक्स ड्यूरेशन है उसमें क्रेडिट हो जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है गाइज। और सेकंड पॉइंट गाइज वाउचर्स, हमारे वाउचर्स जो है मैक्सिमम 60 डेज है उसमें क्रेडिट हो ही जाएंगे और चांसेस ये है कि वो 30 डेज के अराउंड में भी हमारे वाउचर्स क्रेडिट हो जाए, तो 30-60 डेज में हमारे वाउचर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो गाइज उसके भी लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसके अलावा गाइज और कोई आपका क्वेश्चन हो कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए गाइज। और गाइज प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टेक केयर गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।